Hello everyone, good morning. You know that we were in continuation with carbon and its compound. आज हम इसका फोर्थ लेक्चर करेंगे. तो अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया हाउ टू नेम दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं, उनका नाम हम कैसे लिखते हैं. एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा दीजिए. तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं. वी यूज द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट वर्ड रूट. यस, सेकेंड नंबर पर क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स. थर्ड नंबर पे क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स. और फिर भी कोई चीज बच जाए तो वो कहा जाते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स, और सिंपल वी कैन कॉल इट एज प्रीफिक्स. हालांकि इनकी डिटेल भी चीजें होती हैं, बट दैट यू विल हैव इन योर फाइल क्लास. अभी आपके पास इतनी ही चीजें करनी है. ये फॉर्मूला वी हैव लर्न अबाउट, हमने चीजें सीख ली है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं. और एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एग्जाम्पल होगा, और इस एग्जाम्पल में तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और यहाँ पर OH, और इस जगह के ऊपर सी डबल OH. ये है इसके ऊपर. अब हमें इसका सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन लगाकर बैलेंस शीट पूरी करनी है. एक बॉन्ड इसने आगे बढ़ाया तो तीन बैलेंसेस बच गई, थ्री हाइड्रोजन, थ्री बैलेंसेस कंप्लीट, वन हाइड्रोजन, थ्री बैलेंसेस कंप्लीट, वन हाइड्रोजन, थ्री कंप्लीट, वन हाइड्रोजन, लाइक दैट. दिस इज द कंपाउंड. अब हमें इसका नाम लिखना, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या बना, सेलेक्ट द वर्ड रूट. तो वो क्या बन गया, 1 2 3 4 5. तो वर्ड रूट क्या बना आपका, सबसे पहले पेन. उसके बाद में क्या करना आपको, प्राइमरी सफिक्स. वो किसको दिखाता है, बॉन्ड को. तो बॉन्ड कैसे बैठा, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल, तो क्या आ गया, एक. अब आपके पास में क्या फंक्शन ग्रुप है, अलग 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 फंक्शन ग्रुप्स में से आपको प्रायोरिटी सीरीज सिखाई थी कि पहला कौन सा आएगा, फर्स्ट कौन सा आएगा. तो फर्स्ट के लिए क्या बताया आपको, सबसे पहले कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. उसके बाद कौन आएगा, एल्डिहाइड. उसके बाद कौन आता है, कीटोन. उसके बाद कौन आता है, एल्कोहल. और सबसे लास्ट में कौन आता है, हैलोजन. सो दिस वाज योर सीक्वेंस. अगर आप भूल गए हो तो इसमें देख कर दिखाओ. अब इसमें सेलेक्ट करो आप सारे फंक्शन ग्रुप में से सबसे बेस्ट कौन हुआ प्रायोरिटी सीरीज में, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हुआ. तो इसका नाम कहाँ आएगा, किसके रूप में आएगा, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में. इन सारे फंक्शन ग्रुप में से इसका नाम लास्ट आएगा. तो इसका नाम क्या होगा, सफिक्स फॉर्म में. लुक एट द टेबल, और नाम क्या था, ओइक एसिड. अब क्या बच गया हमारे पास में, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच गया, एक ब्रोमीन बच गया, क्लोरीन बच गया. इनके नामों को आपने कैसे लिखना, प्रीफिक्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर. इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल. जो नाम बच जाते हैं बच्चे वो उनके सामने लिखो, ताकि आपको अल्फाबेट को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. अगर ब्रोमीन है तो इसका नाम क्या है, ब्रोमो, प्रीफिक्स फॉर्म में, ब्रोमाइड सफिक्स फॉर्म. अगर फ्लोरीन है, इसका प्रीफिक्स फॉर्म क्या है, फ्लोरो. क्लोरो भी किस रूप में आएंगे, प्रीफिक्स फॉर्म. लुक एट द अल्फाबेट्स, हम देखो पहले कौन आएगा, ब्रोमो. तो ये हो गया आपका ब्रोमो. आफ्टर दैट ब्रोमो के बाद में कौन आएगा, क्लोरो. उसके बाद कौन आएगा, हाइड्रोक्सी. ये हो गया, ये आपका नाम बन गया. अब अपन के प्लस को हटा दो, प्लस को हटाओ, जोड़ भी लिखोगे तो क्या नाम बन जाएगी, बन गया आपका ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरो हाइड्रोक्सी पेन एन ऑइल एसिड. ये नाम, दिस इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के नाम. बट इस नाम के अंदर एक बहुत बड़ी कमी ये है कि by looking at the name, इस नाम को देख करके we do not know कि where is carboxylic acid present in five carbons. Word root को देखकर हम पता चल जाएगा कि कार्बन कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, पांच. लेकिन पांच कार्बनों में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस कार्बन पर है, हाइड्रोक्सिल है वो कौन से कार्बन पर है, क्लोरो कौन से कार्बन पर है, ब्रोमो कौन से कार्बन पर है. यानी कि वी डू नॉट कम टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यूज्ड इन द कंपाउंड. फॉर दैट अब क्या करना पड़ेगा, जब हमें इन चीजों का नहीं पता हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, एंड दे आर नोन एज रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग. आईयूपीएसी नेम के लिए कुछ रूल्स है. अब देयर आर सो मेनी रूल्स फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट इन ब्रीफ आई विल टेल यू शॉर्टली, छोटे शब्दों में, छोटे काम के अंदर.
सबसे पहला काम जो किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको करना है वो क्या होगा, सबसे फर्स्ट रूल होगा आपका सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इन दैट कंपाउंड। जो कंपाउंड आपको दे रहा है तो सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज 1 2 3 4 लाइक दैट। अब इधर से ब्रांचिंग शुरू कर दिया हमने, क्योंकि आपको पता है कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी कैरेक्टर, वो कहीं भी कितने भी चेन बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंसी। ये हो गया। अब आपको इस कंपाउंड में अगर नाम देना है, यू कंप्लीट द हाइड्रोजन अब आपको नाम देना है, तो अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट द पॉसिबल चेन। हाउ टू सेलेक्ट द चेन, चेन सेलेक्ट करने के लिए यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग, स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, कहीं से का मतलब है या तो चेन के शुरू में हो या लास्ट में हो या फिर साइड के लास्ट में हो। ऐसा नहीं हो कि चेन के बीच में से काउंटिंग शुरू नहीं करनी, काउंटिंग आप शुरू करोगे टर्मिनल एंड्स पे, जहां पे टर्मिनल एंड दिखाई देता है, जहां भी चेन खत्म हो रही है शुरू हो रही है। सपोज यहां से खत्म हो रही है, यहां शुरू हो रही है, ये बन गया 1, फिर 2, 2 के बाद आप 3 के लिए आप नीचे भी आ सकते हो क्योंकि नीचे बॉन्ड बना हो, और आगे भी जा सकते हो क्योंकि आगे बॉन्ड बना, पर दोनों तरफ एक साथ नहीं जा सकते। क्या करना है, जब आप काउंटिंग शुरू करते हो, मान लो यहां से आपने शुरू करा 1 2, अब आप आगे की तरफ जाते हो 2 1 2 3 4, अब नीचे दो कार्बन बच गए, तो इनको गिनने के लिए डू नॉट जंप, यहां बॉन्ड नहीं बन रहा है तो इसको काउंट करने के लिए जंप नहीं करना है। ऐसे यहां भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहां भी जंप नहीं करना है, तो आपकी जो चेन है ना 1 2 3 4 वापस भी नहीं आना, दीज आर द रूल्स, डू नॉट कम बैक वापस में। जहां जिस कार्बन को आपने एक बार काउंट कर लिया ना, तो उसके बाद आप जंप कर सकते हो, जहां बॉन्ड है वहां आप जा सकते हो, कनेक्टेड लिंक जहां पर वहां आप जा सकते हो, और वापस नहीं आना। ये बन गया 1 2 3 4, 5 के लिए यहां नहीं आ सकते, यहां भी नहीं आ सकते, तो आपकी चेन कितनी बनी, 4 कार्बन। अब ये देखो क्या इससे भी ज्यादा कार्बन की वो चेन बन सकती है, तो काउंटिंग के यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड। अब देखो 1 2 3 4, पहले वाले चेन में 4 कार्बन एटम्स थे, सेकंड जो चेन हमने सेलेक्ट करी उसमें 4 कार्बन एटम्स, क्या और भी कोई चेन हो सकती है, तो लुक एट 1 2 3 4 5, यस। अब हमारे पास एक और मेथड था काउंटिंग का, वो क्या हुआ, 5 चेन बनती है। सबको पता है टर्मिनल एंड कहीं से शुरू करो, उसके बाद आप सीक्वेंस फॉलो करो, कौन सा बॉन्ड टू बॉन्ड चलना, आपने जंप नहीं करना और वापस नहीं आना, मोड आप कहीं भी सकते, कैन हैव योर बैंड एट एनी वेयर, जहां बॉन्ड आता वहीं पर। तो काउंटिंग आप यहां से करके देखो 1 2 3 4 5, सो हाउ मेनी मैक्सिमम कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन, इन दिस चेन देयर आर 5 कार्बन एटम्स, सो द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर दिस कंपाउंड इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स। This was the point. ये point था. Selecting the longest possible chain. Suppose आपको और example दें. एक example हो गया. Suppose we have another example. 1. You can draw the chains by yourself also. Chain आप अपने आप ही बना सकते हो. As many as you can. Now start the room. सबसे पहला काम क्या करना है? आपको longest possible chain. Put the hydrogens. Hydrogen आप लें. But for practicing. सपोज आप इससे काम शुरू किया 1 2, उसके बाद आप 3 के लिए आगे जा सकते हो, नीचे आ सकते हो, लेकिन एक बार जहां चले गए तो उसको वापस नहीं आना, जैसे 1 2 3 4 5, तो आपने क्या किया, आगे नहीं गिना और वापस नहीं आना, तो 5 का आपकी चेन एंड। नाउ लुक एट अदर चेन, क्या और भी कोई चेन बन सकती है, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इस चेन में कितने हुए, 4 कार्बन। और कोई चेन है, तो देखो 1 2 3 4 5 4 या 5, इस चेन में 5 कार्बन एटम है, क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है, तो देखो 1 2 3 4, अगर इधर आगे तो 4 ही चेन बने, वापस आना नहीं काम नहीं, तो फिर क्या बन गया, दोबारा चेन शुरू करो 1 2 3 4, अगर आप आगे आ गए तो 5 की चेन बने,
तो 5 के बाद कौन सी, अभी तो उससे ज्यादा ही पॉसिबल नहीं, 5 के नीचे आ गया 6, 6 आ गया। अब आप राइट या लेफ्ट इसमें भी आ जाते हो, दोनों तरफ एक एक कार्बन। अगर मान लो इधर ज्यादा कार्बन तो आप इस तरफ में जाते, या इधर ज्यादा कार्बन होता तो आप इधर की तरफ में आते। लेकिन अब क्या करना आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन चाहिए, 6 कार्बन की चेन क्या है इसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो दिस इज द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका फर्स्ट रूल। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट रूल, सेकंड इंपॉर्टेंट रूल इज दैट स्टार्ट नंबरिंग टू लॉन्गेस्ट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास उसमें नंबरिंग शुरू करनी, गिनती शुरू करनी, जैसे लाइक दैट। ये कार्बन चेन होगी हमारे पास और ये, अब इसमें आपने सबसे पहले तो पहला रूल लगाना है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 या 1 2 3, तो 4 कार्बन इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने क्या करना है, चेन आपने सेलेक्ट कर ली, मान लो ये आपने सेलेक्ट कर ली, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट। अब आपने क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है, काउंटिंग शुरू करनी है। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, दिस इज द रूल, स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग करने से पहले ऐसा नहीं कि आप ये चेन सेलेक्ट कर ले तो आपने मर्जी से यहाँ से 1 2 3 4 ये नंबर दे दिया, इसके रूल है। रूल क्या है कि जहाँ से कोई फंक्शन ग्रुप, कोई साइड चेन या कोई मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक आता है उस तरफ से आप काउंटिंग शुरू करो। अब सपोज यहाँ पर इस कार्बन से आपने काउंटिंग यहाँ से करी 1 2 3, इस कार्बन पर ये थी आपकी मेन चेन। तो इस मेन चेन के अंदर जब आपने काउंटिंग की तो आपके पास ये बाहर में कार्बन निकल रहा है, ये किस नंबर पे निकल रहा है, 3 नंबर पे, तो नजदीक निकलना चाहिए। यानी कि अब आप काउंटिंग उल्टी साइड से शुरू करो, 1 2, अपोजिट डायरेक्शन शुरू करोगे तो 2 नंबर पे इसमें साइड चेन आ गई, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ से जब आपने क्या काउंट किया, लेफ्ट राइट तो आप 3rd पोजिशन पर, राइट टू लेफ्ट किया तो 2nd पोजिशन। तो करेक्ट नंबरिंग सीक्वेंस इज फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से शुरू करो, इट विल बी 1 2 3 4, लाइक दैट नंबर लाइक दिस। वन एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, लाइक दैट सपोज ये। अब इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन एज प्रीवियस एग्जाम्पल 6 कार्बन एटम कर दे, 1 2 3 4 5 6, हाउ विल यू स्टार्ट द नंबरिंग। जिस चेन के अंदर आपने ज्यादा कार्बन सेलेक्ट किए हैं, जिसको आपने लॉन्गेस्ट चेन बोला है, दैट चेन इज नोन एज मेन चेन, उसे हम बोलते हैं मेन चेन के नाम से, दिस इज मेन चेन। उस मेन चेन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, भूल जाओ, तो उसका इजी मेथड है, आप उस मेन चेन को स्लाइड पेन या पेंसिल से कट करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कार्बन को आप काउंट कर चुके हो, बाकी जो कटे नहीं है वो आपके अनकाउंटेड कार्बन है, जो बच गए ना साइड में, जो कार्बन बच गए हैं इनके साथ में, दे आर नोन एज साइड चेन्स। तो एक तो होती किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर इज ओनली वन मेन चेन, और साइड चेन्स देयर कैन बी एनी नंबर, वो कितनी भी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट, ये क्या होगी साइड चेन, ये साइड चेन है, और ये क्या है, दिस इज आल्सो साइड चेन, दिस इज आल्सो साइड चेन। सो इट हैज 1 2 3, इट हैज 3 साइड चेन्स, दिस ओनली वन है। तो सबसे पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करी दैट लॉन्गेस्ट चेन इज नोन एज मेन चेन, इसी लॉन्गेस्ट चेन को क्या नाम दिया था, मेन चेन। उसके बाद जो बच जाती है वो क्या होगी, हमारी साइड चेन होगी। दूसरा पॉइंट क्या था, नंबरिंग का, नंबरिंग के लिए क्या बताया, जहां से कोई साइड चेन, कोई फंक्शन ग्रुप या कोई मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आता है वहां से शुरू करना। सपोज ये आपकी मेन चेन, जब आपको मेन चेन सेलेक्ट करोगे इट हैज ओनली 2 एंड, या तो ऊपर से नीचे की तरफ या लेफ्ट टू राइट, दो ही एंड होंगे उसके, और दो एंड में से आप काउंट करके देखो कि नजदीक क्या चीज आ रही है। देखो यहाँ पर 1 2 3, 3rd नंबर पे साइड चेन पहली बार आ रही है, अब इसे दूसरी साइड से काउंट करके देखो 1 2, इसमें 2 नंबर पर ही साइड चेन आ रहा है। सो विच इज करेक्ट मेथड, जहां से नजदीक आ रहा है, तो नीचे से इस बार नजदीक आ रहा है, इसलिए नीचे से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट, दिस इज योर मेन चेन, बाकी क्या बच गई साइड चेन। अब पॉइंट आता है हाउ टू नेम मेन चेन एंड साइड चेन, इस एग्जांपल में क्या था,
ये वाले आपके क्या है मेन चेन, दिस इज योर मेन चेन, ये मेन चेन एंड दिस इज साइड चेन। हाउ टू नेम मेन चेन एंड साइड चेन। मेन चेन को लिखने का तो बेटा अभी तक जो आप रूल सीख रहे हैं ना वो सारे मेन चेन के सीख रहे, बस क्या कौन से साइड चेन। साइड चेन को नाम लिखने का तरीका क्या होता है, एल प्लस वाई, ये जोड़ना। एल मींस कार्बन नंबर, एल का मतलब है कार्बन नंबर, मतलब उसमें कार्बन कितने हैं उस साइड चेन में, एक कार्बन है इसके आगे एक और कार्बन है उसके आगे एक और कार्बन है, तो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन ओनली। अब साइड चेन के कार्बन काउंट करते हो आप इसी कार्बन काउंट को इसके साथ मत करना क्योंकि ये कार्बन तो मेन चेन का, डोंट काउंट दिस कार्बन इनटू साइड चेन, जो बच रहे हैं साइडों में वही साइड चेन है और उसमें कितने कार्बन है वो देखो उसका नाम ही एल। एक कार्बन का नाम सीक्वेंस में पहले लिख सकते, एक कार्बन का नाम है मेथ, तो बन गया मेथ प्लस क्या लगाना बाई एल, तो क्या नाम बन गया इसका मिथाइल। ऐसे इसका नाम क्या आ जाएगा, दिस इज ओनली वन, तो इसका वर्ड रूट क्या बनेगा मतलब मेन नाम क्या बनेगा फिर, क्योंकि एक ही कार्बन उसके बाद क्या लगाओगे बाई एल, इसका क्या नाम हो जाएगा मेथ और बाई एल लाइक दिस। तो फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड रूल नंबरिंग, नंबरिंग कहां से जहां से बोल साइड चेन मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है। क्लियर, ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। थर्ड ड्यूरिंग नंबरिंग, देयर आर सो मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लेकिन जो शॉर्ट रूल आपने काम आएगा नंबरिंग के अंदर वो ये है कि आप जो नंबरिंग के बाद काउंटिंग शुरू कर रहे हो तो आपने सबसे पहले किस चीज में नजर रखनी, लुक एट मेन फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप जहां अगर वो नजदीक है तो आपकी नंबरिंग उस तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है उसमें मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है तो आप क्या देखोगे उसके अंदर बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक आता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात आ गई तो पहले डबल बॉन्ड देखना है वो कहां, फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो जहां से दोनों में से कोई बॉन्ड नजदीक पड़ता है वहीं से काउंटिंग शुरू कर दी, और अगर दोनों ही नजदीक आते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। और उसके बाद थर्ड नंबर पर पॉइंट आता है हमारा फंक्शन ग्रुप नेचर बॉन्ड और फिर साइड चेन। अगर मान लो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर फंक्शन ग्रुप भी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, जैसे पीछे मैं एग्जांपल कर रहा उसमें क्या था सिर्फ साइड चेन, तो जहां से साइड चेन को नजदीक पड़ती फिर वहां से नंबरिंग होती है। अब हम इन तीनों चीजों को एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया और इसके अंदर ये हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और इसके अंदर ये कोई फंक्शन ग्रुप आ गया और साइड चेन पे इसमें मिलेंगे। अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला क्या है लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन कैसी होनी चाहिए उसके अंदर देखो सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब फंक्शन ग्रुप भी होना चाहिए, डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो भी होना चाहिए और साइड चेन है तो वो भी होनी चाहिए, ऑल प्रॉपर्टीज शुड बी प्रेजेंट इन द मेन चेन। तो अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसमें तो ये आपका आना चाहिए, ये फंक्शन ग्रुप है तो ये भी आना चाहिए और साइड चेन है तो वो भी आनी चाहिए, तो देखो वन टू ये आपके काउंटिंग में आनी चाहिए चीज, ये मेन चेन में ये आनी चाहिए, तो देखो काउंट करोगे आप वन टू थ्री, यहाँ अगर आप आगे तो फंक्शन ग्रुप बच गए, इधर आगे तो भी बच गए, तो वन टू थ्री फोर, फोर पर एक फंक्शन ग्रुप आ रहा, सो दिस इज योर मेन चेन बिकॉज नीचे नहीं आना क्योंकि ये कार्बन नहीं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना चाहिए, ऑक्सीजन तो नंबर पे वन टू थ्री फोर ये चार, तो ये चार कार्बन वाली इस चेन के अंदर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ साइड निकल इसकी साइड चेन भी आ रही, ये साइड चेन, ये साइड चेन और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। क्लियर, तो अब आपने क्या करना है इसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब नंबरिंग, नंबरिंग के लिए आपको क्या होता है पहले देखो फंक्शन ग्रुप है इसमें तो जहां से फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ता है वहां से नंबरिंग शुरू करें, अगर मान लिया फंक्शन ग्रुप इसमें नहीं है फिर आपने क्या देखा बॉन्ड, तो बॉन्ड यहाँ फिर आपकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है, और मान लिया दोनों ही नहीं है तो फिर साइड चेन देख रहे हैं कि साइड चेन कहाँ से नजदीक पड़ती है, वन टू टू नंबर से या वन टू थ्री थ्री नंबर से। क्लियर, तो अब आप इसके अंदर
कहां से शुरू करोगे, जहां से मेन फंक्शन ग्रुप आता है। सो मेन फंक्शन ग्रुप स्टार्ट्स विद दिस कार्बन, तो दिस कार्बन इज 1। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, जैसे मान लो इस कार्बन कार्बन लगे फंक्शन ग्रुप यहां। अब आप ये सोचो कि इसमें फंक्शन ग्रुप इस कार्बन से लगेगा तो आपकी काउंटिंग यहां शुरू हो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन का बना 1 2 3 4 के आगे 5 भी है 6 भी, पर आपने काउंटिंग यहीं से शुरू कर दी 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि काउंटिंग का वही तरीका, एक बार छाप चले गए वापस नहीं आना, जंप नहीं करना, क्योंकि 1 गलत हो जाएगा। फिर आपको कहां से करना 1 2 3। अब आप सोचोगे ये नजदीक आना, तो नजदीक यहां से 1 2 3 ये नजदीक है, क्यों? यहां से करोगे तो 1 2 3 4, ऊपर से करोगे 4 नंबर पे, लेकिन जब नीचे से कर रहे हो तो 3 नंबर पे, तो कौन सा सही होगा? जहां से ये नजदीक पड़े, इनका मतलब है जहां पर ये नजदीक पड़ते, क्लोजेस्ट पड़ते, नंबर 1 पे ही ये जरूरी शुड बी क्लोज टू, नजदीक होनी चाहिए। खैर अभी हमारा ये एग्जांपल था, अब इसमें एग्जांपल पर आते हैं। तो ये क्या हो गया, अब हम नंबरिंग कहां से, जहां से फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, तो फंक्शन ग्रुप इस कार्बन से पड़ रहा था, ये बन गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये नंबरिंग आपको चेन के ऊपर लिखनी है। ओके, अब आपने इसका नाम की शुरुआत करनी, हाउ विल यू राइट द नेम, नाम कैसे लिखो, तो लिखा सबसे पहले वर्ड, वर्ड रूट क्या है इसका, ड्यू, बिकॉज फोर कार्बन। अब देखो बॉन्ड, इसमें बॉन्ड कितना है, फर्स्ट नंबर पे इसको लिखना है, सेकंड नंबर पे इसको लिखना है, थर्ड पे इसको लिखना है, फिर फोर्थ पे ही है। तो फर्स्ट नंबर हो गया, पीएस क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का क्या नाम होता है, आयन, तो ये हो जाएगा आयन। अब देखो आपने क्या करना है कि वर्ड रूट के बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शन ग्रुप हो, या साइड चेन हो, या कुछ भी, हर चीज की पोजीशन जरूर दिखानी है। पोजीशन का मतलब है कि वो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहां पर है, कहां से शुरू हो रहा है। सो देखो यहां ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन को लेके आपको प्रॉब्लम क्या होगी, बॉन्ड्स को लेके प्रॉब्लम क्या होती है, बॉन्ड्स को लेके प्रॉब्लम ये, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड हो वो आपको 4 नंबर में भी दिख रहा है और 3 नंबर में दिख रहा है, तो दो पोजीशन तो हो नहीं सकती, एक ही पोजीशन को कैसे रख, जहां से वो काउंटिंग में पहले आ रहा है, जैसे आपने किया 1 2 3, तो यहां से पहले आया, तो ये पोजीशन 4 के बाद अब आप गया होगा तो खत्म ही हो गया, तो 4 नंबर बाद में, तो काउंटिंग में नजदीक में कौन आया, 3, तो 1 2 3, तो पोजीशन क्या है उसकी, 3, तो वो क्या रहेगा आपने से पहले ही 3 डैश, डिजिट और अल्फाबेट के बीच हमेशा डैश होता है, अगर इससे पहले अल्फाबेट आएगा तो वहां भी डैश हो जाएगा, तो बन गया ब्यूट प्लस 3 डैश आइन प्लस उसके बाद में क्या है, एसएस मींस फंक्शन ग्रुप, और फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसमें, एल्कोहल, क्या नाम है इसका, सफिक्स नाम क्या, ओल, और किस नंबर पर है ये, 1 नंबर, हर चीज की पोजीशन दिखानी है 1 ओल। अब क्या बच रहा है, जो बच गए पहले आ गए, पहले में क्या बच रहा है, कार्बन किसके फॉर्म में है, साइड चेन, और साइड चेन में जो कार्बन बच रहा है उसका नाम कैसे लिखना था, एल प्लस वाई, एल मीन्स कार्बन, कार्बन कितने मैथ, एक कार्बन तो नाम हो गया मैथ, और प्लस हो गया वाई, तो ये टोटल नाम क्या हो गया उसका, जोड़ देंगे व्हाट इज द शॉर्ट नेम, इट इज मिथाइल, और ये मिथाइल किस नंबर पर है, मेन चेन के किस नंबर पर है, 2 पर, तो ये लिखेगा 2 मिथाइल। ऐसे इसके ऊपर देखो इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो क्या हो गया मिथाइल, कितने पोजीशन पे, 2 पे, तो क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल, मतलब 2 नंबर के ऊपर 2 मिथाइल, तो इनको आप 2 मिथाइल 2 मिथाइल दो बार बना लिखो, जब कोई नाम रिपीट होता है तो डोंट राइट द नेम इन रिपीटेशन, बार बार मत लिखो, नाम को आप एक बार लिखो लेकिन उससे पहले, जैसे मिथाइल लिखना तो मिथाइल से पहले डाइल, अगर दो बार आए ट्राई, अगर 3 बार आ जाए टेट्रा, अगर 4 बार आ जाए, तो ये अब क्या हो जाएगा, इट इज डाइल, लेकिन किस पोजिशन पे वो भी लिखो, कहां कहां ये 2 2 एंड 2, दोनों 2 2 पोजिशन, तो 2, 2 डाइल मिथाइल प्लस, इसके बाद में अब हम इसको दौड़ कर लिखेंगे, नाम का ऐड करके लिखने सब, तो आप क्या नाम बन जाएगा, 2, 2 डिजिट, और डिजिट्स के बीच में कॉमा होता है, डिजिट अल्फाबेट में डैश होता है, 2, 2 डैश डाई मिथाइल, उसके बाद प्लस हटा दो बी, प्लस हटा दो, अब देखो अल्फाबेट और डिजिट शुरू होते 3-3 और आइन, फिर डिजिट आ रहा है तो डैश 1 और 2, सो दिस इज द कंप्लीट नेम फॉर दिस कंपाउंड। अब देखो इस नाम के अंदर जो इस कंपाउंड में
जो भी चीज आ रही है सबकी पोजीशन को रिप्रेजेंट किया, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, साइड चेन हो, हर किसी की एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाया गया। सो दिस इज एग्जैक्ट आईयूपीएसी, दिस इज एग्जैक्ट आईयूपीएसी। एग्जैक्ट आईयूपीएसी में क्या होगा, लोकेशन होगी, साइड चेन होगी, फंक्शनल ग्रुप होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, ऑल एवरीथिंग यू हैव टू रिप्रेजेंट इन दैट। नाउ यू कैन मेक बाय फॉलोइंग दीज रूल्स बाय योर ओन एज मैनी एग्जाम्पल्स पॉसिबल।